हे दे आव वेलकम टू द सीरीज ऑफ तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द साउथ इंडियन किंगडम्स एम कंचन एंड इफ यू विलक दिस लेसन दैन प्लीज डोंट फॉर्गेट टू हिट द लाइक बटन ओके सो इम्पॉर्टेंट इन्फो भी है आप लोगों के लिए अगर आप कोई इन वीडियोस का पीडीएफ चाहिए या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड जिसके भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए सो यू कैन जॉइन द पेड ग्रुप ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ओके एंड ऑल्सो अगर आप यू पी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए प्रिलिम्स और मेन्स दोनों के लिए पेड ग्रुप मौजूद हैं जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा जाएगा फर्दर क्वेरीज़ के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं सो स्टार्ट अवर लेसन द साउथ इंडियन किंगडम्स सो लास्ट लेसन में हमने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें हमने पल्लव्स के बारे में पढ़ा था वो भी क्या है साउथ इंडियन किंगडम ही साउथ इंडिया के ही रूलर्स हैं ओके पल्लव्स सो अब हम बाकी जो और भी रूलर्स हैं साउथ इंडिया के जो इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे सो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं इस लेसन से ही रिलेटेड हैं ये क्वेश्चन तो इन क्वेश्चन को स्टार्टिंग में देने का ये रीज़न है जब आप ये लेसन में आगे बढ़ोगे जहाँ भी ये वर्ड्स आएंगे तो उस टॉपिक को आप थोड़ा अटेंटिव होकर सुनोगे क्योंकि यहाँ जो वर्ड्स हैं थोड़े टफ हैं तो आप ज़्यादा बोर ना हो जाओ इस लेसन में इसलिए आई हैव प्रोवाइडेड क्वेश्चंस इन स्टार्टिंग ओनली ओके तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द पल्ल्स अंडर डैश ओवर थ्रू द कलभरास एंड एस्टेब्लिश्ड देर सुप्रीमेसी ओवर थोडई मंडलम तो पल्लव के बारे में तो आपने लास्ट लेसन में पढ़ा है ठीक है तो आपको इनका आंसर तो पता होना चाहिए बाकी आंसर्स हम लेसन के लास्ट में डिस्कस करेंगे ठीक है अभी वी आर जस्ट रीडिंग द क्वेश्चंस तो आपके ऑप्शंस हैं सिम्हा विष्णु महेंद्र वर्मन वन या नरसिम्हा वर्मन टू ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज नरसिम्हा वर्मन वन अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ वॉट ठीक है तो ऑप्शन है बटापी कोंदन, जयन कोंदन या कदरम कोंदन। नरसिम्हन वर्न भी क्या है पल्लव्स के ही रूलर हैं तो इनके बारे में भी आप लास्ट लेसन में पढ़ चुके हो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलानी कलानी एक डैम है ठीक है द कलानी अक्रॉस रिवर कावेरी वॉज बिल्ट बाय हुम तो इसके ऑप्शंस हैं राजेंद्र वन कारिकाल चोल या राजा राजा राजा, राजा चोल तो अभी कलानी जब भी इस चैप्टर में आगे आएगा तो वहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ठीक है आप अपने आप ही आप अटेंशन पे करेंगे उस टॉपिक पे सो so, अगला क्वेश्चन है आपका का वन द सन ऑफ आदित्य वन डिफीटेड द पांड्या रूलर एंड अप द टाइटल ऑफ यानी कि क्वेश्चन है कि का वन को किसका टाइटल मिला था जब उन्होंने पांड्या रूलर को डिफीट किया था तो आपके ऑप्शंस हैं मधुरई कोंडन मोदी कोंडन या कदरम कोंडन फिफ्थ क्वेश्चन है द तो पांड्या एम्पायर वॉज कॉल्ड पांड्या डैश ठीक है so, सो मंडलम वल्नडू या उर्वई उर्वई के बारे में आपने फर्स्ट ये जो लास्ट लेसन पढ़ा था पल्लव का वहाँ पर पढ़ा था तो आपको पता होना चाहिए उर्वई क्या है तो आप एलिमिनेशन मैथड भी यूज़ कर सकते हैं इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंदाल कम्पोज ठीक है ये एक राइटर है तो इन्होंने क्या कंपोज किया था देवाराम थिरुपवई या रामायणम करी थी इन्होंने तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हैं अभी लेसन में आप इनसे मिलेंगे ठीक है तो जहाँ भी ये वर्ड्स आए लेसन में प्लीज पे अटेंशन क्योंकि आपको बाद में इसके आंसर्स भी देने हैं सो लेट्स मूव अहेड तो अभी हम साउथ इंडियन किंगडम्स में पढ़ेंगे चोल्स के बारे में हमने पल्लव्स के बारे में पढ़ लिया है नाउ द चोल्स तो द रिफरेंसेज टू द चोल्स आर मेड इन द महाभारत द इंस्क्रिप्शन ऑफ़ अशोक एंड वर्क्स ऑफ़ मेगाथनीज एंड टोली देखिए जो भी चोल्स के बारे में है कि इनके बारे में जो भी इन्होंने विक्ट्री हासिल की है इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किए थे ये सारा कुछ आपको कहाँ से मिलता है महाभारत में इनके बारे में ज़िक्र है अशोकास के इंस्क्रिप्शन में भी इनका जिक्र है मेगास्थनीस और टॉलमी के वर्क में भी इनके बारे में दिया गया है ठीक है तो इनके इनसे रिलेटेड डिफरेंसेस हमें इन सारे सोर्सेज में मिलते हैं ड्यूरिंग द संगम एज द चोल्स रूल्ड तिरुची एंड तंजौर रीजन तो इनके जो संगम एज चल रहा था उसमें चोल्स ने कहाँ कहाँ पे रूल किया था तिरुचि और तंजौर अब ये जो जगह है मैं आपको इनको मैप में शो करूँगी ठीक है तो आपको इनको रिटेन करने में आसानी होगी कि ये कहाँ थे आप अच्छे से याद कर पाएंगे और इनका कैपिटल क्या था उरयूर इनका कैपिटल था ठीक है एंड वट वॉज दियर एम्बलम इनका एम्बलम था टाइगर द ग्रेटेस्ट रूलर इनके जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे कारिकाल एंड इन्होंने बिल्ड किया था कलानी डैम एक द रिवर कावेरी नियर त्रिची ठीक है अभी हमने कलानी डैम के बारे में पढ़ा भी था ठीक है क्वेश्चन क्या था कि कलानी डैम किसने बनवाया था किस चोल राजा ने बनवाया था तो वो थे कारिकल ठीक है और ये क्या थे बहुत ही अच्छे रूलर थे चोल्स के और ये कलानी डैम कहाँ पे है अक्रॉस द रिवर कावेरी नियर थ्रीची तो ये जो भी प्लेसेस आपको दिख रही हैं इनको अभी हम मैप में देखेंगे द चोला रूलर डिक्लाइन द चोल रूल्स डिक्लाइन एज दे बिकम फ्यूडेटरीज ऑफ द रूलर्स ऑफ उरयूर तो उरयूर के जो रूलर्स हैं उनके ये सामंत बन गए थे चोल्स और इनका जो शासन है ये धीरे धीरे वहाँ से डिक्लाइन होने लग गया था लेटर चोल्स के बारे में देखें जो इम्पीरियल चोल्स हैं अभी हम जानेंगे कि इनको इम्पीरियल क्यों कहा जाता है लेटर चोल्स को द हु हुमर्ज टू पावर इन द मिडिल ऑफ द नाइन्थ सेंचुरी वर नोन एज लेटर चोलास और इम्पीरियल चोल्स ठीक है इनको ये जो चोल्स हैं ये पावर में कब आए थे इन द मिडल ऑफ नाइन्थ सेंचुरी इसके इस टाइम पे ये पावर में आए थे और इनको इम्पीरियल पावर इम्पीरियल चोल्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज़ इन्होंने जो अपना किंगडम है वो बहुत ज़्यादा पोर्शन एक्सपांड कर लिया था अपने किंगडम का ठीक है साउथ इंडिया में साउथ uh, इंडिया में किया था श्रीलंका तक इन्होंने एक्सपेंडेशन कर लिया था कदरम जगह है वहाँ तक ठीक है इंक्लूडिंग सुमात्रा एंड मलाया तो बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया था इसलिए इनको इम्पीरियल चोल्स कहा जाता है किन को कहा जाता है लेटर चोल्स को सो so, लेटर चोल्स के जो फाउंडर थे वो थे विजयालया और इनका टाइमलाइन है 850 से 871 सेवेंटी ठीक है ये फ़ाउंडर थे किसके लेटर चोल्स के विजयालया इनके बाद जिन्होंने रूल किया वो थे आदित्य वन और आदित्य वन के बाद जिन्होंने रूल किया वो थे का वन ये थे आदित्य वन के सन तो इनके बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा मैप को स्टडी कर लेते हैं तो हमने त्रिची के बारे में सुना था ठीक है त्रिची के पास में क्या बना था कलानी डैम बना था किसने बनाया था कारिकाल ने बनाया था ये मदुरई भी अभी आने वाला है आगे लेसन में तो इसके बारे में भी अच्छे से देख लें ये मदुरई इस यहाँ पे है इस जगह पे है और कौन सी जगह इम्पोर्टेंट है कल्याणी यहाँ पे है तंजौर तंजौर बहुत इम्पोर्टेंट है ग, गंगी कोंडम गंगी कोंडा चोलापुरम ये प्लेस इधर है ये सारी जगह जो मैं बोल रही हूँ ये अभी लेसन में आने वाली है तो आप इनके ज़रा एक बार प्लेस देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है ये है कांची ठीक है ये हो गया तंजौर हो गया अभी इस मैप में इतना ही कुछ दिया है ज्यादा नहीं दिया है नाउ लेट्स टॉक अबाउट परंतका वन ही वॉज द सन ऑफ आदित्य वन ओके एंड ही डिफीटेड पांड्या रूलर इसीलिए उनको जो टाइटल है वो मिला मधुरई कोंदन का ये देखिए जो कोंदन वर्ड है ये टाइटल काफ़ी ज़्यादा राजाओं को मिलेगा साउथ इंडिया किंगडम में आपने देखा था पल्लव्स के जो एक रूलर थे नरसिम्हा वर्मन वन तो उन्होंने वटापी के राजा को डिफीट किया था इसलिए उनको एक टाइटल मिला था वटापी कोंदन का ठीक है तो इसीलिए ऐसे ही परंतका वन ने पांड्या रूलर को डिफीट किया और इनको टाइटल मिल गया मधुरई कोंंदन का ओके लेकिन बाद में इनको डिफीट किया राष्ट्रकुटास ने ठीक है राष्ट्रकुटा के जो रूलर थे कृष्णा थ्री उन्होंने इनको क्या करा डिफीट कर दिया अब परंतका वन के कुछ इम्पॉर्टेंट सक्सेसर हैं जो इनके बाद आए जिन्होंने इनके बाद रूल किया तो वो है गंदार आदित्य अरंजया परंतका टू आदित्य और उत्तम चोला ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेसर है का वन के लेटर जो फॉर वेरी गुड एट मैनेजिंग देयर अकाउंट्स एंड उन्होंने बहुत सारे फ्री हॉस्पिटल्स भी खुलवाए थे जिनको अथुलर सलाई कहा जाता है इट वो सेटअप एट थंजावुर और बहुत सी जगह पे साउथ इंडिया के ये सेटअप किए थे फ्री हॉस्पिटल्स ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चोल अम्पायर दैट इज़ राजा राजा वन ठीक है तो ये काफ़ी पावरफुल रूलर थे चोल अम्पायर के और इन्होंने डिफीट किया था चेरास को पांड्याज को और चालुक्यास को ही ऑल्सो डिफीटेड द महिंदा फिफ्थ ऑफ सेलॉन सिलोन मीन्स श्रीलंका और ये सैविज़्म के काफ़ी बड़े फॉलोवर थे सेविज़्म को जो लोग फॉलो करते हैं इसका मतलब है वो शिव भक्त होते हैं ठीक है थीके? तो इसी उन्होंने शिव का एक टेम्पल बनाया था अनुराधापुरम में एंड ही ऑल्सो कन्क्वायर्ड मालदीव्स ठीक है मालदीव्स को भी इन्होंने कंक्वा कर लिया था इसी वजह से जो चोला की पावर है चोल्स की जो पावर है इट एक्सटेंडेड बियॉन्ड साउथ इंडिया ठीक है साउथ इंडिया से और भी ज़्यादा आगे वो एक्सटेंड हो गया था इनका जो अम्पायर है जैसे आपने देखा अभी सिलोन को कैप्चर कर लिया था तो श्रीलंका तक इनका श्रीलंका मालदीव्स इन सारी जगह पे चोल्स का वर्चस्व स्थापित हो चुका था राजा राजा वन अज्यूम्ड द टाइटल्स इनको तीन टाइटल्स मिले थे मुमूदी चोल जयम कोंदन और पदसेखर। शिवा पदशेखर शिवा पदशेखर इसलिए क्योंकि ये शिव को काफ़ी ज़्यादा मानते थे तो ये जो टाइटल्स हैं ये आ सकता है कि ये टाइटल किस राजा को मिला है वगैरह तो आप इन टाइटल्स को थोड़ा याद कर लीजिएगा सो so, हमने ये तो जान ही लिया ये सेविज़्म के काफ़ी बड़े फॉलोवर थे एंड ही आल्सो कंस्ट्रक्टेड द बृहद बृहदेश्वर टेंपल एट तंजौर ये बृहदेश्वर टेंपल जो है तंजौर में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये और भी बार अभी लेसन में आएगा तो तंजौर कहाँ है ये एक बार आप देख लीजिए ठीक है मैंने मैप में अभी दिखाया था आपको फिर भी एक बार फिर से देख लीजिए तंजौर यहाँ पे है ठीक है और यहीं पे बृहदेश्वर टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया गया था किसके द्वारा राजा राजा वन के द्वारा ठीक है सो उस टाइम पे चोल्स के टाइम पे एक रिवेन्यू रिकॉर्ड्स की बुक हुआ करती थी उससे बोलते थे वरी पोथगम ठीक है वरी पोथगम वॉज अ बुक कंटेनिंग ऑल द रिवेन्यू रिकॉर्ड्स रिवेन्यू मीन्स जो भी टैक्स वगैरह होता है उसको बोलते हैं रिवेन्यू नेक्स्ट रूलर हैं राजेंद्रन वन सो राजेंद्रन वन फर्दर एक्सपेंडेड एंड कंसोलिडेटेड द अम्पायर एंड ही कनक्वाड द होल ऑफ सिलॉन तो इन्होंने राजेंद्रन वन ने पूरा का पूरा जो श्रीलंका है वो कनक्वेर कर लिया था और इन्होंने भी पांड्यास के कुछ रूलर्स को चेरास को और वेस्टर्न चालुक्यास को डिफीट किया था हराया था राजेंद्रन वन डिफीटेड महिपाल द रूलर ऑफ बंगाल, इन्होंने महिपाल को भी डिफीट किया था इन्होंने एक सिटी को फाउंड किया था उसका नाम है गंगई कोंडा चोलापुरम ये गंगई कोंडा चोलापुरम भी मैंने आपको मैप में दिखाया था ए बार फिर से देख लेते हैं ये देखिए यहाँ पे है आपका गंगई कोंडा चोलापुरम तो इसको फाउंड किसने कराया था राजेंद्रन वन ने his greatest achievement was his conquest of Sri Vijaya kandaram and the places between the Nicobar Island and Malaya Peninsula. तो ये इनके ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थे जितने भी जो places हैं इन्होंने कन्क्वायर की थी निकोबार आइलैंड और मलाया Peninsula के बीच में वो सारे इनके ग्रेट अचीवमेंट्स हैं इनको भी तीन टाइटल्स दिए गए थे फर्स्ट इज गंगाई कोंदन ऑब्वियसली बिकॉज इन्होंने गंगाई कोंडा चोलापुरम को इस्टेब्लिश किया था फाउंड किया था फिर है पंडिता चोलन और कदरम कोंंदन कदरम को भी इन्होंने क्या किया था एनेक्स कर लिया था इसलिए कदरम कोंंदन तो ये सारे टाइटल्स किसके लिए हैं राजेंद्र वन के लिए द चोला अम्पायर रीस्ड इट्स जेनिथ ऑफ ग्लोरी अंडर राजेंद्र वन तो ये चीज ध्यान में रखिए कि कौन सा अंपायर किस राजा के टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रो किया ठीक है कम से कम उस रूलर का नाम तो आपको याद होना चाहिए तो वो कौन थे चोल अम्पायर के वो थे राजेंद्रन वन नाउ राजेंद्रन वन के बाद और भी ज्यादा रूलर्स आए चोल अम्पायर के और भी ज्यादा सक्सेसर्स आए उनके नाम हैं राजाधिराज वन राजेंद्र टू राज महेंद्र वीर वीरा राजेंद्र और राजेंद्र ठीक है तो ये सक्सेसर्स हैं राजेंद्र वन के बाद अब साउथ इंडिया किंगडम में जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं उसमें से एक है कुलुतुंगा सो ये कुलुतुंगा कहाँ से थे इनका टाइमलाइन है देखिए वन जीरो सेवन वन से इलेवन ट्वेंटी टू एटी ये कौन थे ये बेटे थे अमंगा देवी और राजा राजा ऑफ वेंगी के अमंगा देवी कौन थी ये डॉटर थी राजेंद्र वन की राजेंद्र वन इनके बारे में हमने अभी पढ़ा था ठीक है ये तो थे चोल चोला रूलर थे राजेंद्र वन और ये जो राजा राजा ऑफ वेंगी हैं ये क्या थे चालुक्य सो कुल्लू टुंगा ने क्या किया था ही यूनाइटेड वेंगी किंगडम विद द चोल अम्पायर और इन्होंने एक लाइन स्टार्ट की थी चालुक्य और चोल रूलर्स की ठीक है तो चालुक्य और चोल रूलर्स में जो सबसे फर्स्ट रूलर थे वो थे कुलुतुंगा तुंगा वन ठीक है इनकी माता क्या थी वो थी चोल और इनके पिता कहाँ से थे वो चालुक्य अम्पायर से थे सो so, कुलुतुंगा तुंगा वन डिफीटेड द वेस्टर्न चालुक्यास एंड ही आल्सो कैप्चर्ड कलिंगा ड्यूरिंग हिज रेन श्रीलंका डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस देखो राजेंद्र वन ने क्या किया था श्रीलंका को होल कैप्चर uh, कर लिया था लेकिन कोल्लू तुंगा के टाइम पे श्रीलंका ने क्या कर लिया अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया था लेकिन कोल्लू तुंगा क्या थे वो बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे एंड ही मेजर द लैंड्स एंड रेगुलेटेड लैंड रिवेन्यू इन्होंने लैंड रिवेन्यू को रेगुलेट किया था और जितनी भी एक्साइज ड्यूटीज़ होती हैं वो हटा दी थी इसीलिए इनको क्या कहा गया है सुंगम थाविर्थ चोलन सुंगम थाविर्थ चोलन इनको इसीलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने जो एक्साइज़ ड्यूटीज़ हैं ये सारी हटा दी थी ठीक है कुलू तुंगा ने सो ही पेट्रोनाइज्ड ग्रेट लिटरेरी स्कॉलर्स तो ये जो लिटरेरी स्कॉलर्स हुआ करते थे राइटर्स हुआ करते थे ये इनके काफ़ी बड़े फ़ैन थे इनको बहुत सपोर्ट करते थे और ये राइटर्स कौन हैं जैसे जे एम कुंत उत कुथार पोगाजेंदी और कम्बार तो इनके बारे में आप अभी पढ़ोगे ठीक है इन राइटर्स ने क्या क्या इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी हैं इनके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम चोल्स की लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे ठीक है अब बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ चोल्स की जो चोल्स का अंपायर है वो डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ सो द चोला अंपायर बिगेन टू डिसइंटीग्रेट ड्यू टू द राइज ऑफ फ्यूडेट्रीज लाइक द कदवरियाज एंड द इमर्जेंस ऑफ द पांड्या एम्पायर अब क्या हुआ नया एम्पायर इमर्ज होने लग गया पांडे अंपायर और इनके जो सामंत थे चोल्स के जो सामंत थे उन्होंने भी खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया वो थे कदवार ऐसा ही होता है हमेशा से एक बड़ा किंगडम होता है और जब वो थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगता है तो उसके जो सामंत होते हैं जो फ्यूडेट्रीज होते हैं वो उस खुद को उस अम्पायर से अलग कर लेते हैं और खुद का एक किंगडम इस्टेबलिश करने में लग जाते हैं ठीक है तो इसी वजह से जो चोल्स का अम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट हो गया राजेंद्र थ्री चोल्स के लास्ट रूलर थे द चोला किंगडम वाज एनेक्स टू द पांड्या एम्पायर विद द डिफीट ऑफ राजेंद्र थ्री बाय जत वर्मन सुंदर पांड्या सो जो पांड्या रूलर थे जत वर्मन सुंदर पांड्या टू इन्होंने चोल के लास्ट रूलर राजेंद्र थ्री को हरा दिया था एंड फॉर दिस रीज़न ओनली द चोल किंगडम वॉज एनेक्स टू द पांड्या अम्पायर सो दिस वॉज हाउ द चोल अम्पायर गॉट डिस इंटीग्रेटेड अब चोल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं देखिए चोल एडमिनिस्ट्रेशन जो चोल अम्पायर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था ये जानना ज़रूरी है सो so, इनका जो अम्पायर है उसको डिवाइड कर दिया गया था प्रोविंस में और इन प्रोविंसेस को ठीक है छोटे छोटे जो स्टेट्स वगैरह होते हैं इन प्रोविंसेस को कहा जाता था मंडलम उस वक्त इन प्रोविंसेस को मंडलम कहा जाता था द मंडलम्स वर फर्दर डिवाइडेड अब इन मंडलम्स को और ज़्यादा डिवाइड किया गया था इन टू कोट्स ठीक है तो जो डिस्ट्रिक्ट होते थे ठीक है डिस्ट्रिक्स को कहा जाता था नाडू या बले एंड विलेज असेंबली कॉल्ड जो विलेज असेंबली होती थी विलेज का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसको कहा जाता था उर्स या सभा पल्लव्स में भी हमने यही देखा था उनके विलेज असेंबली को भी उर्स ही कहा जाता था द मेंबर्स ऑफ द विलेज असेंबली वर इलेक्टेड बाय कोडा वई सिस्टम ठीक है विलेज असेंबली के जो मेंबर्स होते थे उनको इलेक्ट किया जाता था थ्रू कोडा वोलाई सिस्टम के थ्रू सो द उथारा मिरूर इंस्क्रिप्शन देखिए एक इंस्क्रिप्शन है उथारा मेरूर ऑफ परंतक वन परंतक वन का है ये इंस्क्रिप्शन तो इस इंस्क्रिप्शन में डिटेल आ, डिटेल में सब कुछ लिखा गया है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सो so, उथारा मिरूर परंतका वन का इंस्क्रिप्शन है जिसमें विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है सो so, there वर वरियम्स ऑल्सो वरियम्स आपने पढ़ा था पल्लव के चैप्टर में भी कि वरियम्स क्या होती हैं ये कमिटीज़ होती हैं ठीक है थीके? जो कि विलेज में फंक्शंस वगैरह डेवलपमेंट वगैरह कैसा होना है वो ये सब तय करती हैं और इसके जो मेंबर्स हैं इट्स मेंबर वर कॉल्ड वरिया पेरू मक्कल ठीक है तो इन सारे टर्म्स को थोड़ा आप याद रखिएगा सो so, हमने चोल्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर ली अब देखते हैं उस वक्त की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस तरह की ये थी सो देयर वर मैनी कास्ट एंड सबकास्ट इन द चोल सोसाइटी ठीक है और जो सती प्रथा है देवदासी सिस्टम ये सारा कुछ प्रिविलेंट था उस टाइम पे चलता था प्रैक्टिस में था वीविंग इंडस्ट्री एंड द मेटल वर्क वर डेवलप्ड तो वीविंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो चुका था मेटल वर्क भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता था अभी हम मेटल वर्क के बारे में और पढ़ेंगे आगे गिल्ड्स वर प्रि गिल्ड्स क्या होते हैं एक ग्रु लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि सेम काम कर करता है ठीक है जैसे सहकारी समितियाँ होती हैं वही क्या होते हैं गिल्ड्स होते हैं सो कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स वर इस्टेब्लिश्ड विद चाइना सुमात्रा जावा एंड अरेबिया इनके साथ आपके कमर्शियल कॉन्टैक्ट थे यानी कि ट्रेडिंग वगैरह होती थी सो चोल किंग वर ऑल्सो द ऑफ सेविज़्म हमने ये देखा था ठीक है राजेंद्र रा जो राजेंद्र वन थे हमने उस टाइम भी पढ़ा था कि ये वो क्या थे बहुत ही बड़े फॉलो फॉलोवर थे सेविज़्म के यानी कि जो लोग शिव भक्त होते हैं अब बात करते हैं चोल्स के लिटरेचर के बारे में ठीक है सो so, इसमें थोड़े टफ़ वर्ड्स हैं आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी इनको याद करने में लेकिन एक दो बार में आप इनको लर्न कर पाएंगे ठीक है तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा था मैंने शायद क्वेश्चन में एम में तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा द डेवलपमेंट ऑफ़ तमिल लिटरेचर रीस्ट इट्स जैनिथ ड्यूरिंग द चोल पीरियड ठीक है जितना भी तम, तमिल लिटरेचर ले, का डेवलपमेंट हुआ है वो सबसे ज़्यादा किस टाइम पे हुआ है चोल्स के पीरियड में ठीक है सो द टू मास्टर पीसेस ऑफ दिस एज आर रामायणा ठीक है और ये कंपोज किस थी किसने कंबर ने और दूसरा है पेरिया पूर्णम या फिर पेरिया पूर्णम को हम थिरुतोंडर पूर्णम भी कहते हैं इनको किसने लिखा है सेखी जार ने तो इनको दो इन दोनों को क्या बोलते हैं मास्टर पीसेस ऑफ दैट एज अगले जो बुक्स हैं वो है सिवा का चिंतामणि इसको लिखा गया है थीरु थका ने नेक्स्ट है नंबी अंदर नम्बी इट इज़ कंपाइल्ड बाय पनीरुथी मुरई और ये एक क्या है सेवाइट वर्क है यानी कि शिव जो हैं उनके बारे में लिखा गया है इस बुक में नेक्स्ट है नलैरा दिव्या प्रबंधम और ये है एक वैष्णवाइट वर्क यानी कि ये विष्णु के बारे में लिखा है इस बुक में एंड इट इज़ कंपाइल्ड बाय नाथा मुनि नेक्स्ट है देखिए ओटा कुथर इनके बारे में आपने पहले अभी देखा होगा पिछले साइड्स में हमने इनका नाम देखा था कंबार का नाम देखा था ठीक है ये लोग जो हैं चोल्स कोर्ट के इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा माना जाता था ठीक है हमने पढ़ा था अभी इनके बारे में सो so, इन्होंने किस बुक को लिखा है थक थक याग परिणी वॉज रिटन बाय ओता कुथर और जे जय कुंदर एम कोंदर जो है इसको लिखा गया है कलिंगाथु परणी ने ठीक है सो ये था लिटरेचर पार्ट चोल पीरियड का अब देखते हैं इस पीरियड के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में सो द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर रीज इट्स परफेक्शन अंडर द चोल तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी अपने में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था चोल पीरियड में और जो चीफ फीचर है चोल टेम्पल्स का वो था विमान ये विमान क्या होता है देखिए मंदिरों में जो लंबे एक टॉवर टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये मंदिर से काफ़ी ऊंचा होता है काफ़ी लंबा होता है जितना मंदिर की हाइट होती है उससे भी ज़्यादा लंबा होता है ये विमान सो so, ये जो विमान था ये चीफ फीचर था चोल टेम्पल्स का तो कोई भी मंदिर जहाँ जिसका जिसके ऊपर विमान बना हुआ है उसको आप देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये चोल्स के पीरियड का टेम्पल है ठीक है या फिर चोल्स ने बनवाया है सो मोर देन सेवेंटी टेम्पल्स वर

कोइल टेम्पल एट कुदम्बालू फाइनेस्ट एग्ज़ैम्पल्स जो फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स हैं इस पीरियड के टेम्पल्स का वो है बृद्धेश्वर टेम्पल एट तंजौर हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है देखिए ये जो तीन मंदिर हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें भी शामिल किया गया है तो पहला क्या है बृहदेश्वर टैम्पल एट तंजौर फिर है शिव टेम्पल ऐट गंगाई कुंदम चोलापुरम सेकंड है थर्ड है सॉरी एरावतेश्वर टेंपल एट दारसूलम ठीक है एरावतेश्वर टेंपल एट दारसुलम सो बृहदेश्वर टेंपल्स शिव टेंपल और एरावतेश्वर टेंपल एरावत हाथी को कहते हैं पर्यायवाची होता है हाथी का तो एरावतेश्वर टेंपल एट दारसुलम तो ये तीन टेंपल बहुत इंपॉर्टेंट है कम से कम इनको लर्न कर लीजिएगा नेक्स्ट है स्कल्पचर चोल्स के टाइम का स्कल्पचर कैसा था द स्कल्पचर ऑफ शिव विष्णु एंड ब्रह्मा एट आर्म्ड दुर्गा इन द शिव एंड विष्णु टेम्पल आर आ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ चोल स्कल्पचर्स द चोल्स आर ऑल्सो वेल नोन फॉर देयर ब्रॉन्ज इमेजेस चोर्स के पीरियड में जो ब्रांज इमेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं इसमें एक नटराज की मूर्ति है जो कि कहाँ है नागेश्वर टेम्पल में है एट कोम्बक कोनम इज इज द लार्जेस्ट एंड फाइनेस्ट ठीक है ये आपको मिलेगी नागेश्वर टेम्पल में नटराज की मूर्ति द ब्रॉन्ज आइडल ऑफ अर्धनरेश्वर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट स्पेसिमेंट ऑफ द चोल पीरियड सो स्कल्पचर की बात करें तो अर्धनरेश्वर और नटराज आइडल काफ़ी ज़्यादा फेमस और फाइनेस्ट एग्जाम्पल हैं चोल स्कल्पचर्स के ये जो ब्रांज आइडल्स हैं ठीक है ब्रॉन्ज आइडल मेटल आइडल जो भी हैं ये सारे स्कल्पचर्स जो हैं ये कैसे बनते हैं इसके बारे में हम अभी लास्ट में पढ़ेंगे सब लास्ट में पढ़ेंगे ठीक है इसका मैथड क्या होता है वो हम देखेंगे अब बात करते हैं चोल्स के पेंटिंग के बारे में सो द चोल्स आर नोन फॉर देअर पेंटिंग्स एज वेल एज फाइन मुराल्स मुराल्स क्या होते हैं देखिए जो पेंटिंग डायरेक्टली वॉल पे की जाती है उसको मुराल कहा जाता है तो चोल्स की जो पेंटिंग है वो अपने मुराल पेंटिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है म्यूज़िक एंड डांस की बात करें तो म्यूज़िक वॉज ऑल्सो डेवलप्ड एट दैट टाइम ठीक है एंड भरतनाट्यम एज अ फाइन आर्ट ऑल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड सो जो भरतनाट्यम इतना फेमस डांस फॉर्म है इंडिया का वो उसका जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट कब किसके पीरियड में हुआ था चोल्स के पीरियड में अब अगर देखें इम्पैक्ट का ठीक है चोल्स का जो इम्पीरियल चोल्स थे उनका इंडिया में इंडिया की कल्चर में क्या इम्पेक्ट पड़ा सो द इम्पीरियल चोल्स हु रूल्ड फ्रॉम 850 फिफ्टी ए डी टू ट्वेल्व सेवेंटी इतना लंबा टाइम इन्होंने रूल किया है प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द तमिल कंट्री दे हैव मेड एन इम्प्रेसिव इम्पैक्ट ऑन पॉलिटी तमिल लिटरेचर हमने देखा तमिल लिटरेचर का सबसे ज़्यादा ग्रोथ चोल पीरियड में ही हुआ है टेम्पल आर्किटेक्चर म्यूज़िक डांस देवर द ओनली एम्पीरियल पावर हु फाउंडेड एन ओवरसीज अम्पायर एंड इस्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ़ द टेम्पल ऑफ़ द तमिल कल्चर फार एंड वाइड तो कहा जा रहा है कि ये ऐसे सिंगल अम्पायर था चोल अम्पायर जिसने जो तमिल कल्चर है उसको अदर कंट्रीज़ में भी मतलब वर्ल्ड वाइड में भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया था ठीक है एक तो हमने ये भी देखा था कि जो चोल्स Uh, राजा थे जितने भी रूलर्स थे उनमें से काफ़ी रूलर्स ने अदर कंट्रीज़ को भी क्या किया था अनैक्स करा था जैसे श्रीलंका मालदीव्स ठीक है तो इसीलिए इनका जो तमिल कल्चर है वो वर्ल्ड वाइड में साउथ में काफ़ी ज़्यादा फेमस है सो दिस वॉज़ द इम्पैक्ट ऑफ इम्पीरियल चोल्स इन द तमिल कंट्री नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट किंगडम ऑफ साउथ दैट इज़ द पांड्या अम्पायर तो पांड्याज ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रीजन्स को ऑक्यूपाई किया था जैसे मदुरई तिरुनेलवेली त्रिची इसके बारे में हमने चोल अम्पायर के टाइम पर पढ़ा था और कुछ पार्ट्स उन्होंने थ्रेवेन कोर का भी ऑक्यूपाई किया था तो so, पांड्याज के बारे में हमें कैसे पता चलता है वी कम टू नो अबाउट पांड्याज फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मेगासनीस प्लीनी द एशियंट तमिल लिटरेरी वर्क एंड द अकाउंट ऑफ ह्यूंती सांग एंड मार्को पोलो तो इनके जो वर्क हैं इनकी राइटिंग्स के थ्रू हमें पांड्यास के बारे में पता चलता है सो द हिस्ट्री ऑफ पांड्यास कैन बी डिवाइडेड एज द अर्ली पांड्यास फर्स्ट पांड्या अम्पायर एंड सेकेंड पांड्या अम्पायर सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दम तो ये मैप है जहाँ पे आपको पांड्यास से रिलेटेड प्लेसेस के बारे में पता चलेगा तो ये पांड्यास का एरिया है यहाँ पे देखिए ये है त्रिची जिसको पांड्यास ने आक्यूपाई कर लिया था कुछ पार्ट इसका ये है त्रिनेल वैली ये है तंजौर ठीक है और और कोई इम्पोर्टेंट जगह नहीं है जो इस पांड्यास अम्पायर से रिलेटेड है तो त्रिची होंडी तंजौर तिरुनेलवेली इनकी ये सारी प्लेसेस यहाँ पे हैं तो आपने देख लिया ये नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द अर्ली पांड्याज सो अर्ली पांड्याज बिलोंग करते हैं संगमेच संगम एज को ठीक है अ रिमार्केबल फीचर ऑफ़ दिस पीरियड वॉज द मेंटेनेंस ऑफ फ्लरिशिंग तमिल लिटरेरी अकैडमी और संगम एट मदुरई तो हमें पता है कि ये जो टाइम था साउथ इंडियन किंगडम्स का तो इस टाइम पे जो तमिल लिटरेचर है उसका डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है यानी कि संगम एज में तमिल लिटरेचर ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया है पांड्यास का कैपिटल था मदुरई हमने अभी देखा था मैप में मदुरई को सो so, एम्बलम जो है पांड्यास का वो है फिश विद द राइज ऑफ़ कल्भराज द संगम एज डिक्लाइंस तो कल्भराज का जैसे ही उदय होता है तो वैसे ही संगमेज क्या होती है डिक्लाइन होती है अब बात करते हैं अभी हमने बात करी अर्ली पांड्याज की नाउ अब बात करते हैं फर्स्ट पांड्या अंपायर की तो जो पांड्या किंग थे कादुनगोन ही रिस्टोर द प पोजिशन ऑफ पांड्याज इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ सिक्स सेंचुरी ठीक है बाय ओवर थ्रोइंग द कलभराज को कल्भराज को इन्होंने डिफीट कर दिया था द डायनेस्टी फाउंडेड बाई हिम इज जनरली रिफर टू एज द फर्स्ट पांड्या किंगडम ठीक है और फर्स्ट पांड्या किंगडम का टाइम लाइन है फाइव फिफ्टी टू नाइन फिफ्टी ए डी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस पीरियड वर्ल अरिकेसरी मारवर्मन रणधिरन मारवर्मन राजसिम्हा वन बरगुना वन और श्रीमार श्री वल्लभा द तो पांडे अम्पायर एक्सटेंडेड टू तंजौर अब कहाँ कहाँ इन पांडे अम्पायर क्या हुआ एक्सटेंड हुआ देखिए तंजौर तिरुचि तिरुचिरापल्ली कोयम्बतूर एंड सालेम ये ये सारी प्लेसेस मैंने आपको जो लास्ट कुछ मैप्स दिखाए थे वहाँ पे ये सारी प्लेसेस हैं मतलब साउथ में ही हैं ये सारी प्लेसेस सो so, द पांडे अम्पायर एक्सटेंडेड टू तन तंजौर तिरुचिरापल्ली एंड कोयम्बटूर अब श्रीमार श्री वल्लभ के बाद देखिए क्या हुआ जो पांड्या जो फर्स्ट पांड्या अंपायर है उसका डिक्लाइन शुरू हो गया क्योंकि श्रीमार श्री वल्लभ के जो सक्सेसर्स थे ना उनको अपोज किया था पल्लव्स और चोल्स ने ठीक है इनकी लड़ाई पल्लव्स और चोल्स के साथ काफ़ी ज्यादा होती थी और ड्यू टू द कंटिन्यूस वॉर बिटवीन पल्ल चोल्स पल्ल एंड पांड्याज और फिर पांड्याज की चोल्स के साथ भी लड़ाई होती थी सो इट लेड टू द डिक्लेनेशन ऑफ फर्स्ट पांड्या अंपायर। अब बात करते हैं सेकेंड पांड्या अंपायर की तो फ्रॉम द थर्टीन सेंचुरी ऑनवर्ड्स द पांड्याज प्रोग्रेसिवली डिटेस्ड दमसेस फ्राम द चोल्स ठीक है और उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया सो so, इनके जो फर्स्ट राजा थे वो थे जातवर्मन कुलशेखरा वन उसके बाद आए मार वर्मन सुंदर पांड्या वन ही रिस्टोर द थ्रोन टू चोल रूलर राजा राजा थ्री राजा राजा थ्री कौन थे चोल अम्पायर के लास्ट रूलर थे ये और इनको जो टाइटल मिला वो था सोनाडू वलंगी रूलिया सुंदर पांड्या ठीक है ये टाइटल मिला था मारवर्मन सुंदर पांड्या वन को इनके बाद रूलर जो आए वो थे जातवर्मन सुंदर पांड्या वन और इनको भी तीन टाइटल्स मिले वो टाइटल्स हैं ईमंडलम कोंदारुलिया महाराजा थिराज और श्री परमेश्वरन और पोनविंथा पेरुवलम पेरूमल ओके तो ये थ्री टाइटल्स जातवर्मन सुंदर पांड्या वन को मिले थे ये सारे क्या हैं सेकंड पांड्या अम्पायर के रूलर्स हैं सो इनके बाद जो रूलर थे जातवर्मन सुंदर पांड्या वन अभी जातवरमन सुंद सुंदर पांड्या वन के बारे में हमने देखा कि इन इनको तीन टाइटल्स मिले थे इनके बारे में और जानते हैं सो so इन्होंने क्या किया अपने किंगडम को काफ़ी ज़्यादा इलाज किया था और इन्होंने श्रीलंका को यानी कि जो श्रीलॉन है पुराना नाम है श्रीलंका का श्रीलंका में भी अटैक किया था और कोलम को कैप्चर कर लिया था इन द चेराज लैंड ठीक है so सो टाइटल कोलम कोंदा पांड्या इनको मिला था द पावर ऑफ द पांड्याज इस्टार्टेड डिक्लाइनिंग आफ्टर हिम तो ये जो राजा थे सेकेंड पांड्या अम्पायर के इनके रूल के बाद पांड्याज का रूल डिक्लाइन होने लग गया था इनके रूल्स के री डाइन होने का रीज़न क्या है द तुगल्स हु सक्सीडेड द खिल्ज ईज एक्सटेंडेड देयर होल्ड ओवर साउथ इंडिया एंड डिक्लेयर द पांड्याज अम्पायर एज अ पार्ट ऑफ तुगलक अम्पायर तो तुगलक डाइनेस्टी से ये जो पांड्याज अम्पायर थे ये हार हार रहे थे और तुगलक्स ने क्या किया था साउथ इंडिया को काफ़ी ज़्यादा अटैक किया था और उसको अपने अम्पायर में तुगलक अम्पायर में जोड़ लिया था ठीक है साउथ इंडिया को तुगलक अम्पायर का पार्ट बना लिया था द डिक्लाइन ऑफ तुगलक पावर लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ़ द सुल्तानस ऑफ मदुरई विच अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द कम्प्लीट डिक्लेनेशन ऑफ द पांड्या अम्पायर तो फिर तुगलक अम्पायर का डिक्लेनेशन हुआ तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट हो गया सुल्तानस का ठीक है मदुरई के सुल्तानस का और इसके बाद तो पांड्यास का अम्पायर जो था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था तो इन फॉरन रूलर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में अब बात करते हैं पांड्यास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सो द पांड्या अम्पायर वॉज कॉल्ड पांड्या मंडलम ठीक है इनके एडमिनिस्ट्रेशन को पांड्या मंडलम बोलते थे द मंडलम वॉज डिवाइडेड इनटू वलनाडु एंड वलनाडु और ज़्यादा डिवाइडेड था उर्स में मतलब इनके अम्पायर को बोलते हैं पांड्या मंडलम मंडलम डिवाइडेड था वलनाडु में और वलनाडु और डिवाइडेड थे उर्स में ठीक है उर्स क्या होती हैं विलेज असेंबलीज होती हैं द किंग वॉज असिस्टेड बाई अरियांस अरिया मिनिस्टर्स को कहते हैं एंड द आर्मी चीफ स्पेशल ऑफिसर्स वर ऑल्सो अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस एंड मेनटेन अकाउंट्स सो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लुक्ड आफ्टर बाई फाइव वरियम्स तो यहाँ भी क्या थे यानी कि पांड्याज अंपायर में भी कमिटीज़ हुआ करती थी वरियम्स क्या होते हैं कमिटीज़ जो विलेज uh, के डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में देखती हैं अब पांड्यास के टाइम पे जो लोग हो रहते थे उनका ऑक्यूपेशन क्या होता था मेनली एग्रीकल्चर और ट्रेड ही होता था ठीक है और जो एग्रीकल्चरिस्ट यानी कि जो किसान होते थे उनको बोलते थे भूमि पुतीर ठीक है मैनी स्लेव्स वर ऑल्सो एम्प्लॉयड टू कैरी ऑन डिफरेंट टास्क तो दास भी होते थे जो स्लेवस होते हैं उनको दास वगैरह कहा जाता था तो स्लेवरी मतलब ह्यूमन स्लेव प्रैक्टिस में थी उस टाइम पे द पांड्याज वर फेमस फॉर पर्ल डाइविंग द दा पर्ल्स ऑफ द पांड्या अम्पायर वर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड ठीक है और जो फेमस पोर्ट्स हैं पांड्याज के वो कहाँ के वहाँ वो कहाँ पे थे कोरकई और थोंडी में थे अब बात करते हैं पांड्यास के लिटरेचर के बारे में सो so, मानिक मानिकवा सागर कम्पोज थिरु वसगम थिरु एक किताब है जो मानिक मानिकवा सागर ने कंपोज की है ऐसे ही एक राइटर हैं अंदाल्स इन्होंने कंपोज की है थिरुपवई नमल व नमल वर्स कम्पोज थिरु पल्ल ठीक है ये कुछ बुक्स हैं जो कुछ फेमस राइटर्स ने लिखी हैं सिमिलरली विली पुथुर रोड महाभारत एंड अधिवीर राम पांड्या रोड नईरी धाम श्री कविराय रोड बुक्स नेमली सयूर मुर्गन उला गिरी उला ठीक है ये दो बुक्स लिखी हैं श्री कविराय ने दस द पांड्याज कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द प्रोग्रेस ऑफ लिटरेचर तो यहाँ इनमें से एक बुक है या फिर एक राइटर्स हैं जिनके बारे में अभी हमने एम में भी बात की है तो आप एक बार पॉज करके इनको पढ़ लीजिए ठीक है सो दैट आप एम में आंसर आराम से दे पाएंगे नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ पांड्याज अम्पायर तो इस अम्पायर के टाइम पे जो टेम्पल्स बनते थे उसमें स्पेशल फीचर होता है गोपुर प्रकाश विमानस गर्भगृहस एंड गेटवेज तो गोपुरा क्या होता है मंदिर के एंट्रेंस में ही ठीक है एक बड़ा सा सुंदर सा एक टॉवर टाइप स्ट्रक्चर होता है वो होता है गोपुर प्रकाश क्या होते हैं देखो अगर ये मंदिर है तो उसका जो आउटर स्पेस है आउटर स्पेस में कुछ बिल्डिंग्स वगैरह जो होती हैं कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ होता है आउटर स्पेस में वो होता है प्रकाश विमान क्या होता है मंदिर के ऊपर मंदिर के ऊपर एक टॉवर सा होता है ठीक है टॉवर टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि मंदिर से भी लंबा होता है तो वो होता है विमान्स, ऐसे ही गर्भु ग्रियास, गर्भु ग्रियास क्या होता है? एक होली प्लेस होती है मंदिर के अंदर जहाँ पे जो मेन भगवान होते हैं उनकी मूर्ति होती है वो होता है सो ये सारे जो स्पेशल फीचर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे पांड्या के टाइम पे जो टेंपल्स बने हैं उनमें तो पांड्यास के टाइम पे जो रॉक कट टेम्पल्स हैं उसमें भी काफ़ी इनोवेशन हुआ और हमको पचास से ज़्यादा रॉक कट टेम्पल्स मिलते हैं पांड्यास के टाइम पे नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल टेंपल्स सो स्ट्रक्चरल टेंपल्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाई पांड्याज रूलर्स जिसमें से देखिए एग्जाम्पल है कुलशेखर पांड्या जो थे उन्होंने बनवाया था जैसे अर्थ मंडप मनी मंडप सन्नाती इन एवरी टेम्पल ऑफ हिस अम्पायर एंड पब्लिक मीटिंग्स सोशल गैदरिंग्स रिलीजियस कीर्तन रिसाइटल्स और एंड कथा नाटक ये सारी चीज़ें होती थी कहाँ होती थी ये सारी चीज़ें इन इन द मंडप्स ऑफ द टेम्पल्स मंदिरों में जो मंडप्स होते थे वहाँ ये सारे रिलीजियस प्रैक्टिस कीर्तन रिसाइटल नाटक वगैरह नाटक कथा वगैरह होते थे अब बात करते हैं पांड्या अम्पायर के स्कल्पचर की तो द पांड्याज स्कल्पचर्स आर ब्यूटिफुल एंड ऑर्नामेंटल होते थे ज़्यादातर सो द स्कल्पचर ऑफ सोमस कंदर, दुर्गा गणपति नरसिम्हा नटराज आर द गुड स्पेसिमेंट ऑफ दिस पीरियड पेंटिंग्स अमंग द फाइन आर्ट्स पेंटिंग्स वॉज ग्रेटली डेवलप्ड बाय पांड्यास द मुराल पेंटिंग ऑफ श्री मरण श्री वल्लभ पांड्या ऑफ द फर्स्ट पांड्या उनकी कुछ पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी मुराल पेंटिंग्स आपको पता है वो पेंटिंग्स जो वॉल्स पे डायरेक्ट की जाती हैं सो पेंटिंग्स में लोटस पेंटिंग बाथिंग एलिफेंट की पेंटिंग प्लेइंग फिश ये सारी जो पेंटिंग्स हैं वो काफ़ी नोटवर्दी हैं इससे पता चलता है कि उस टाइम की पेंटिंग स्किल काफ़ी अच्छी हुआ करती थी सो पांड्या रूलर्स हैव लेफ्ट अ यूनिक एंड एवर लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द तमिल सोसाइटी एंड साउथ इंडियन हिस्ट्री इनका कंट्रीब्यूशन जो है साउथ इंडियन हिस्ट्री के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है हमने जब हम स्कल्पचर्स की बात कर रहे थे तो हमने बहुत बार ब्रांज स्टैचूज की बात की थी नाउ लेट सी कि ये ब्रांज स्टैचूज जो बनते थे वो एक्चुअली कैसे बनते थे तो ये ब्रांज स्टैचूज लॉस्ट वैक्स टेक्निक की हेल्प से बनते थे ये टेक्निक काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसमें ये चोल क्राफ्ट्समैन के द्वारा यूज़ की जाती थी तो, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है जो भी इमेज बनानी है उसको वैक्स से बनाया जाता है ठीक है वैक्स मींस मोम फिर उस इमेज को बनने के बाद क्ले से कवर कर दिया जाता है और सूखने दिया जाता है फिर उस क्ले कवर में एक छोटा सा होल करके जो वैक्स है उसको मोल्ड कर दिया जाता है तो जो भी मोल्टेड वैक्स होता है वो तो बाहर निकल जाता है और उसके बाद ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज क्या होता है ये एक अलॉय होता है कॉपर और मेटल का यानी कि कॉपर और मेटल से मिलके ब्रॉन्ज बनता है सो ब्रॉन्ज वॉज मेल्टेड एंड पोर्ड इन टू द क्ले थ्रू द होल तो वही जो होल जिससे वैक्स बाहर आया था उसी होल से मेल्टेड ब्रॉन्च को अंदर डाला जाता है और बाद में जो ब्रॉन्च होता है वो क्या हो करता है इमेज का पूरा जो कवर है मतलब इमेज का पूरा शेप ले लेता है ठीक है एंड वंस द मेटल वॉज कोटेड एंड सॉलिडिफाइड द क्ले कवर वॉज केयरफुली रिमूवड और जब मेटल इमेज का शेप लेके सॉलिडिफाइड हो जाता है ठोस हो जाता है तो बाहर से जो क्ले होता है उसको हटा दिया जाता है तो इस तरीके से जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो ब्रॉन्ज स्टैचूज हैं वो बनते थे ठीक है बाद में उसको क्लीन करके पॉलिश वगैरह कर दिया जाता है सो लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है वो किन के द्वारा यूज़ की जाती थी चोल क्राफ्ट्समैन के द्वारा अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ एम सी क्यूज़ दिए थे मैंने बोला था कि इन एम सी क्यूज़ के आंसर आपके इसी लेसन में हैं सो अस नो कि आपको आपको कितना समझ में आया है और आप कितना रिटेन कर पाएँ तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था द पल्लव्स अंडर होम ओवर थ्रू द कलभराज एंड इस्टेब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी ओवर थोंडई मंडलम तो इसका आंसर है सिम्हा विष्णु ठीक है मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ आप पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं कि आपको कितना आ रहा है सेकेंड क्वेश्चन है नरसिम्हा वर्मन वन अज्यूम द टाइटल ऑफ वटापी कुंदन इज़ द राइट आंसर थर्ड क्वेश्चन इज द कलानी एक्रॉस रिवर कावेरी वॉज बिल्ट बाय होम सो आंसर इज कारिकाल चोल तो ये हमने इस लेसन के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ठीक है नौ फोर्थ क्वेश्चन इज परंतका वन द सन ऑफ आदित्य वन डिफीटेड द पांड्या रूलर एंड टू कप द टाइटल ऑफ मदुरई कुंदन ठीक है मदुरई क्योंकि पांड्या का जो कैपिटल होता था वो क्या होता है मदुरई था और मदुरई को अगर इन्होंने जीता था परंतका वन ने तो इसे इन्हें क्या बोलेंगे मदुरई कुंदन फिफ्थ है द पांड्या अम्पायर वॉज कॉल्ड पांड्या अम्पायर को क्या बोलते थे मंडलम ठीक है अंदर अंदर एक राइटर थे तो इन्होंने किसे कंपोज किया था थिरुपी को कंपोज किया था अंदर ने ठीक है सो दीज वर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड आपका ये साउथ इंडियन किंगडम्स का चैप्टर अब ख़त्म होता है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगर आपको ये लेसन पसंद आया है या समझ में आया है ठीक है इस लेसन ने आपको थोड़ा हेल्प किया है चीज़ों को जानने के लिए तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर द लेसन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू वेरी मच